राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज आपसे मिलते हैं, आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं। दोपहर को 3 बजे और रात को 10 बजे आपसे लाइव मिलते हैं और आपके जीवन में चमत्कार देखना चाहते हैं। महामाई के नवरात्रे चल रहे हैं, माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं और है 5वां नवरात्रा, माँ स्कंद माता का नवरात्रा है 5वां नवरात्रा। माता रानी स्कंद माता जो है वो आपके जीवन में पीस, प्रॉस्पेरिटी और सेल्वेशन लाने का काम करती है। माता रानी जो है आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि तो लाती है, आपके जीवन में चमत्कार भी करती है। अगर स्कंद माता को अगर आपको मनाना है तो इस दिन आपको माता का जो है कोई भी बीज मंत्र जो है जरूर करना चाहिए और साथ में आपको जो है मेडिटेशन जो है इस दिन जरूर करना चाहिए। अपनी समस्त जो आपकी समस्त परेशानियां हैं उन सबको भूल जाइए। इस दिन जो है सिर्फ आपको मेडिटेशन पे जो है वो ध्यान देना है और माता रानी जो है आपके जीवन में सुख, शांति और शुभता देती है। माता रानी मेडिटेशन करने से खुश होती है माता रानी और सफेद रंग के फूल पुष्प चढ़ाने से भी माता रानी जो है वो खुश होती है। माता रानी जो है स्कंद माता 4 भुजाओं में, एक भुजा एक में कमंडल और एक भुजा में जो है कमल के फूल पर और साथ में अपने बच्चे को कार्तिक को लेकर लेते हुए बैठी हुई है। अगर आप इस रूप की माँ की पूजा करते हैं और चौथे हाथ से माता आपको आशीर्वाद देती हुई नजर आती है, ये है माता स्कंद माता का जो स्वरूप है, आपके जीवन में चमत्कार लेकर आएगा। अगर आज आपने एक छोटा सा उपाय कर लिया, आपकी लाइफ में आपको चेंज देखने को मिलेंगे। शेर की सवारी शेर पर विराजमान रहती है माता रानी, शेर की सवारी पर रहती है और आपके जीवन में बहुत बहुत चमत्कार देती है। और छोटा सा उपाय आज आपने क्या करना है, केले का भोग माँ को जरूर लगाना है और गरीब व्यक्तियों को केले जो है जरूर आपने आज बांटने हैं। कर लिया अगर आपने छोटा सा उपाय, आपके जीवन में चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। सुख, शांति और समस्त दुख तकलीफें आपकी जो है वो दूर होती हुई नजर आएंगी। और इस स्वरूप को अगर आप पूजते हैं तो कार्तिक भगवान जिनको गॉडेस ऑफ ऑल गॉड कहते हैं उनका भी आपको आशीर्वाद जो है वो आपको मिलता है, साथ में कार्तिक भगवान का भी आपको आशीर्वाद मिलता है। और स्कंद माता की पूजा उन लोगों को भी करनी चाहिए जिनके बच्चों को बड़ी चोटें लगती रहती है, जो महिलाएं हैं हमारी जिनको बच्चे नहीं होते हैं या बच्चे बच्चों की वो प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनको भी माँ स्कंद माता के दर्शन जो है आज के दिन में जरूर करने चाहिए, उनकी आरती जरूर सुननी चाहिए, माँ को सफेद रंग के पुष्प चढ़ाने चाहिए, सफेद रंग के कपड़े भी आज आप पहन सकते हैं और माँ के का सिमरन करते हुए आप मेडिटेशन कीजिए। और मेडिटेशन में आप जब मेडिटेशन करेंगे तो सोचिए माँ से अपनी मनोकामनाओं को जो है पूरी करने का आशीर्वाद जो है आपको मेडिटेशन में माँ से जरूर मिलेगा। ध्यान जरूर लगाइए आज के दिन और माँ की जो है आरती जरूर सुनिए और अपने स्क्रीन सेवर पर माँ का आज स्कंद माता का स्क्रीन सेवर जरूर जरूर लगाएं। जिस भी माता का आपका जो है व्रत चल रहा है, आपने व्रत नहीं रखे हैं तब भी आप स्क्रीन सेवर जरूर लगाएं। और अगर आपने देखिए व्रत नहीं रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप अखंड ज्योत नहीं जला सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ी देर के लिए ज्योत लगा सकते हैं। अपने घर के अंदर सुगंधित पुष्प तो लगा रख सकते हैं या अपने घर में कोई खुशबू वाली अगरबत्ती आप जला सकते हैं। आज के दिन जो है ये कार्य करेंगे, आपके जीवन में चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। सफेद रंग की कोई मिठाई भी आज आप छोटी छोटी कन्याओं को जो है दे सकते हैं, सफेद रंग की कोई मिठाई, कोई बर्फी दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए और बहुत बहुत आपको आज आशीर्वाद मिलेगा। किसी गरीब को आप केले जो है जरूर दीजिए, गरीबों को केले का दान, आज का दान महादान है स्कंद माता के लिए जो है बोला गया है कि अगर आप गरीबों को केले बांटते हैं तो ये महा महा महादान कहलाता है और आपके जीवन से सारी की सारी समस्याएं अपने आप दूर होती चली जाती हैं। तो दर्शकों, ऐसे ही और जो भी माता के जिस प्रकार से नवरात्रे आते जाएंगे उस प्रकार से देवियों की किस प्रकार से पूजा अर्चना आप लोगों करनी है उसके लिए मैं आपको बताती रहूंगी। लेकिन माता
आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए, आपके काम में बरकत हो। आप चाहे घर से काम कर रहे हैं, चाहे ऑफिस जा रहे हैं, चाहे आप यूट्यूबर हैं, चाहे आप कोई भी कार्य करते हैं, आपकी लाइफ में जो है चेंज आना शुरू हो जाए। माता रानी की खूब खूब कृपा आपके जीवन में होती रहे। आज के लिए इतना ही, फिर दोबारा आपसे मिलूंगी। और आपका जो प्यार हमें मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने अच्छे अच्छे लवली लवली कमेंट्स करने के लिए। और आज के लिए इतना ही, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में आप लिखते हैं कि इस टॉपिक पर हम लोग वीडियो देखना चाहते हैं, तो बहुत ही हमें मोटिवेशन मिलता है और बड़े नए नए आप लोगों के आइडियाज जो है हमें मिलते हैं। उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। राधे राधे। आपके जीवन में भी है कोई समस्या और नहीं मिल पा रहा है उससे छुटकारा, आपकी कुंडली का हर ग्रह कुछ कहता है, हर भाव कुछ कहता है, आपकी कुंडली जो है वो बोलती है। अगर आपकी कुंडली में भी कोई समस्या है और आप उसका समाधान चाहते हैं, आपके जीवन में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आपके जीवन में जो है निराशा ही निराशा है, तो आप देखें, और आपके पति पत्नी के आपस में नहीं बन पा रही है, तो देखें आपके कुंडली का सातवां घर क्या कहता है, सातवां घर के कारक क्या कहते हैं, सातवें घर में बैठी हुई राशि क्या कहती है, उस पर पड़ती हुई दृष्टियाँ क्या कहती हैं। तो इन सब चीज़ों के एनालाइजेशन के लिए आपकी महादशा क्या कहती है, आपका अष्टक वर्ग क्या कहता है, हर चीज़ का समाधान बताते हैं आदित्य परिवार में, आदित्य कुंडली में। तो अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है तो समाधान है हमारे पास। तो आइए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए, अपने जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान आप हमसे पा सकते हैं अपने इस बेहद खास प्रोग्राम क्या कहते हैं आपके सितारे में। अगर आप भी अपनी कुंडली को करवाना चाहते हैं जागृत और शुभ ग्रहों की करवाना चाहती हैं प्लेसमेंट, और खराब ग्रहों को जो है आपको, खराब ग्रह आपके जीवन में आपको नेगेटिव इफेक्ट ना दे पाए, तो आज ही अपनी कुंडली की विवेचना करवाएं, अपनी कुंडली को जागृत करवाएं और अपने ग्रहों की प्लेसमेंट करवाकर अपने जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली पाएं।